गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं गुरेज वैली से निकला हूँ वापसी श्रीनगर वाली साइड, और शाम हो गई मेरे को राजदान टॉप से पहले ही। तो रास्ते में ये जनाब मिले हैं, इनका नाम है मोहम्मद नसीब, नाम बहुत खूबसूरत है, और ये हैं बकरवाल रजौरी से। और ये क्या नाम है कि पूरी इनकी जो कम्युनिटी है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इनका यहाँ पे डेरा है ये, और ये अपनी भेड़ बकरियाँ माल मवेशी सारा सामान परिवार के साथ आते हैं यहाँ पे मई के महीने में। 4 महीने यहाँ पे बिताते हैं पहाड़ों में ऊपर जंगलों में अपने पशुओं को चराने के लिए, और ये टेंट लगा के पूरे परिवार के साथ रहते हैं। तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप आइए हमारे डेरे पर और आज रात यहीं हमारे साथ रुकिए, सुबह निकल जाना। तो अभी मैं आया हूँ इनके साथ, तो यहाँ पे इनका जो लाइफ है इसके बारे में जानेंगे, और यहाँ का जो एरिया है वो आप देख ही रहे हैं। हेलो सर, अभी मैं जैसे आ ही रहा था तो आंटी जी आ रहे थे उधर से शायद कुछ सामान लेके, तो उन्होंने ही बताया था आपके डेरे के बारे में। तो अभी बताइए आपकी जो माल है मवेशी वो कहाँ पे है? अभी ऊपर गए हैं? अभी ऊपर है जंगल में, तो कुछ भेड़े इधर हैं। अच्छा, तो अभी शाम को सब इकट्ठा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बस फिर शाम को जमा करेंगे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आते हो 5वें महीने में? 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए, ठीक। तो रजौरी से इधर वैसे कई देखे मैंने पैदल आते हैं। पहले तो जितने भी ये हमारी बकरवाल पार्टी थी ये घोड़ों पे आती थी, लेकिन आज काल इन्होंने घोड़ों का सिस्टम खत्म कर दिया, तो गाड़ियों पे आते हैं श्रीनगर तक। अच्छा, तो माल मवेशी है जो कुछ तो गाड़ियों पे आएगा, कुछ पैदल आता है। अच्छा, तो आप बांडीपुरा से फिर इधर तक ग्रेस में पैदल आते हैं जी। ओके, और उसके बाद फिर यही आपका सेटअप है सारा? जी, हमारा सेट यही है। ठीक है, आपकी भेड़ बकरियां फिर आप यहाँ रखते होगे जैसे ऊपर छोड़ देते हो चरने? नहीं, कुछ लोगों ने तो ऊपर दिन को तो जाती हैं ऊपर पहाड़ी पे, तो शाम को वापस आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिच का बालू का खतरा होता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए रात को इधर ही लाते हैं। रात को इधर फिर आपके कुत्ते होते हैं? कुत्ते होते हैं, तो रात को कुत्तों को खोल देते हैं। चलो बढ़िया, तो अभी उनके आने का टाइम हो गया है? हाँ, बस आ रही है, बस ये नजदीक पहुँच आई है, कुछ इधर है अभी आ जाएंगी। दूध वालियों का फिर दूध निकालते हैं? हाँ, दूध निकालते हैं, बस उसी दूध तो वही बकरियों का ही खाते हैं। ठीक ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बकरी का दूध कहते हैं बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, ऐसा है कि बकरी का दूध है जो ये जड़ी बूटी बकरी खाती है। हाँ? तो इसमें हमारे हिंदुस्तान में ये एक बीमारी चली थी जो कोरोना। हाँ हाँ, तो उसमें कोई बकरवाल है जो ये बकरी का दूध खाने वाला वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। नहीं आया, क्योंकि इसमें ये शिफा है कि ये हर जड़ी बूटी खाती है। की भेड़ बकरियां धीरे धीरे चर के वापिस आ रही हैं, और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये है, हाय जनाब, वाह वाह वाह, चूल्हा देखो आप सबसे पहले, तो बाकी चीजें बाद में दिखाएंगे आपको। ये सेटअप मैंने कहीं घरों में भी नहीं देखा है, मतलब यहाँ एक टेंट लगा है 4 महीने के लिए रहना है, पर फिर भी इसको देखो कितना खूबसूरत बना के रखा हुआ है, जैसे सारी उम्र यहीं बितानी हो, है ना। और ये मेरे ख्याल में चाची जी ने बनाया होगा। आपने बनाया? मेरी बेटी ने बनाया। अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत। कश्मीर में लगभग आपके हर एरिया में है? हाँ, हर जगह में। तो इधर जैसे अभी क्या नाम है, कितने दूर के इलाकों में आप आते हो? यहाँ इस साल भी बर्फ पड़ी 2 बार, तो बर्फ में भी हम बिल्कुल कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम बहुत सेफ है। और अगर बारिश एक हफ्ता छोड़ अगर एक महीना भी रहेगी हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर जी, हमें टेंट में कोई टेंशन नहीं, माल मवेशी है जो इसको भी बारिश से कोई खतरा नहीं, भेड़ बकरी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जंगल है, जंगल के दरख्तों के नीचे खड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा जी हाँ,
नहीं तो क्योंकि इतने आपके तो रहते भी काफी तादाद में है ना, तो इतने सबके लिए तो आप रखने का इंतजाम मुश्किल होता है जी। तो फिर जंगल में पेड़ पौधों के नीचे, बस ये जंगल में दरख्तों के नीचे ये देवदार वाले पेड़ भी घने होते ना। हाँ, इसके नीचे बारिश नहीं आई, बर्फ नहीं आती है, तो ये बिल्कुल नीचे से सूखा रहता है। और अपना जो जंगली जानवर वाला सिस्टम, मसलन अगर रात को ये है कि अगर किसी के घर में अगर कुत्ते नहीं है तो बालू जरूर नुकसान करेगा। कुत्ते बिना तो मेरे ख्याल बकरवाल चलते नहीं होंगे। कुत्ते से बिना कोई भी बकरवाल नहीं है। अच्छा, तो कुत्ते के सिर पर हम हमारा माल मवेशी है जो उसी के सहारे से रहता है। चार पांच कुत्ते मतलब होते हैं। उनकी फिर आप कोई कुत्तों मतलब उनको कुछ सिखाते हो उधर रहते रहते या फिर ऐसे ही पलते पलते साथ में? नहीं, जब ये बच्चा छोटा अगर पाला जाता है तो इसको बकरी में रखते हैं। अच्छा, फिर उसको हैबिट हो जाती है। अच्छा अच्छा, वो बकरी के दिन को भी साथ जाएगा, शाम को भी अगर उसको खाने की जरूरत है तो उधर बकरी भी उसको मिलेगा। अच्छा, अच्छा। वो बकरी के साथ ही रहेगा। अभी जैसे आप पूरा फैमिली के साथ चलते हो? फैमिली के साथ चलते, मतलब कईयों में मैंने देखा है कि बच्चे बड़े छोटे छोटे बच्चे भी साथ में चलते हैं। बच्चे छोटे भी साथ है, चलो 15-20 की उम्र के, तो इनका फिर अभी 4-5 महीने अभी इधर पढ़ाई लिखाई का यहाँ जनाब हमें गवर्नमेंट ने 7 मोबाइल टीचर दिए हुए हैं जो 5 महीने यहाँ जहाँ रुकते हैं यहाँ टीचर वो स्कूल लगाते हैं। अच्छा, रुकते हैं? वो स्कूल का टेंट हमारा इधर ही है तो इसमें टीचर है, बच्चे सब पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल टीचर साथ चलते हैं जी, और वो फिर एक टेंट लगाते होंगे? टेंट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का टेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें फिर जो आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई जो जिस क्लास का है उनकी सारा सिलेबस उसमें होता रहता है, सब होता रहता है। फिर वहाँ जाके पेपर दे देते जी। हाँ, मतलब पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर तो काम चलो सही है। जैसे ही शाम होती है और भेड़ बकरियां वापस आना शुरू होती है, ये लोग यहाँ पे एक आग जला देते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियां ला के। उसके बाद जो भेड़ बकरियां हैं वो धीरे धीरे इसके आसपास आके बैठ जाती हैं। और इसके दो फायदे हैं, एक तो भेड़ बकरियों को थोड़ी गर्मी मिलती है और दूसरा आग देख के जंगली जानवर भी यहाँ डेरे के नज़दीक नहीं आता है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह जैसे उठे तो हाँ नसीब जी से पता लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर 3-4 डेरे और हैं बकरवालों के ही, तो उस तरफ काफ़ी सारी भेड़े हैं, बकरियाँ भी हैं, तो वो अभी सब की सब आ रखी है, थोड़ी देर में वो उनको छोड़ेंगे चराने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन डेरों के पास में भी एक जो इनका होता ना मोबाइल स्कूल वो भी बना रखा है, मतलब टेंट के रूप में ही, और वहाँ पे फिर इनके साथ जो होता है ना कि 10 डेरों पे एक टीचर दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो फिर उस टेंट के अंदर यहाँ इनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अभी उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं देखने के लिए। तो ये हैं जो बाकी के डेरे यहाँ लगे हुए है, मेरे ख्याल में 6-7 डेरे हैं। और सुबह है, घास में वो सहा रखी है, बड़ी हल्की हल्की ठंड है। सलाम अलैकुम, और ठीक हो? बढ़िया, बस बढ़िया। काम पे घर है हरियाणा हिसार, तो रात इधर था मैं नसीब सर के पास, हाँ वहीं पे उन्होंने बताया कि इधर और हैं भेड़े भी है वहाँ पे, तो स्कूल भी बता रहे थे। स्कूल है? अच्छा, स्कूल कौन सा है? स्कूल ही है। अच्छा, ये वाला? ओके, इसको देख सकता हूँ मैं अंदर से? हाँ देख, दिखाओ प्लीज। अच्छा, स्कूल की टाइमिंग क्या 10 बजे? अच्छा, तभी आप बच्चे खेल रहे हैं उधर। तो ये देखो जी, यहाँ पे एक बकरवाल लोगों के लिए ये स्कूल है, मेकशिफ्ट इस टेंट में। ये सामने व्हाइट बोर्ड लगा है, तो इसके
के अंदर यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होती है। मतलब ये कि कोई ये ना हो कि उनके बच्चे इनके साथ आए और उनको फिर उनकी पढ़ाई में कोई वो आए, रुकावट आए, तो वो नहीं होने देते। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है। हेलो। अच्छा, यहाँ फिर आपके कितने बच्चे हैं ये सारे डेरों के? यहाँ लगभग 20-25 बच्चे। 20-25, ठीक है। फिर तो वो पढ़ते हैं, ये सीजनल स्कूल होता है। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं मतलब कि आपका भी यहाँ पे सीजनल काम ही है, 4-5 महीने आप आते हो, तो उसमें ये ना कि बच्चों का पढ़ाई है वो रुके ना। नहीं, ये काम तो बढ़िया कर रखा है। हाँ, वहाँ वाले तो चलो पक्के बने होते हैं, तो यहाँ पे आपका रिहायशी ऐसा है तो ठीक है, ये इंतजाम भी बढ़िया है, तो इतना चलता है। हाँ, सही है। फिर तो उसके अलावा और कोई मतलब, ये तो चलो काम हो गया, आपके बच्चे साथ आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है उनकी, बाकी ये कोई माल मवेशी होता है जैसे ये इधर। हाँ हाँ, अभी भेड़े बकरी। अच्छा अच्छा, वो उस पार है। अच्छा, तो इनको अभी आप कैसे, अभी जैसे सुबह हो गई है, दूध वालियों का दूध निकाल लिया होगा? दूध निकाल लिया, अभी समझो छोड़ेंगे आप इनको, 10 बजे के बाद जंगल में छोड़ देंगे। अच्छा, खाली छोड़ोगे? एक साथ तो जाओगे? एक आधा बंदे, एक दो बंदे जाते, दो बंदे जाते हैं, क्योंकि जानवर का होता है इसमें रीछ होता है, इधर रीछ का बहुत खतरा है ना। हाँ, रीछ, शेर और भी बहुत से जानवर होते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर वो दिन को होके शाम को फिर यहाँ अपने वापस ले आते हैं। कभी हुआ है ऐसा कि कोई रीछ या कोई जानवर? आज आज भी रात को एक आया था। रात में आया इधर रीछ? हाँ, रात को आता है ज्यादा। फिर तो आप तो पास में ही थे। कुत्ते वुत्ते भी रखे हमने। हाँ, फिर कुत्तों ने भगा दिया फिर के? वो उसने भगा दिया। अच्छा, या आपको जगा देते होंगे कुत्ते ना? हाँ, वो तो पता लग जाता हमें कि आ जाता है कहीं। कितने बजे आया था वो? लगभग 8-8:30 बजे आया था रात में। उस टाइम तो मतलब सोए नहीं होंगे, बैठे हुए थे। हाँ, मतलब उसको नहीं, वो देखता है क्या है क्या। हाँ, वो तो अंधेरा होने का इंतजार करता है, हुआ आ जाता है, फिर उसको थोड़ा भगाना पड़ता आगे पीछे। उसके बाद तो फिर थोड़ी देर आपने वो रहा होगा फिकर तो, कि भी क्या पता पूरा। हाँ, गया कि नहीं गया, मतलब दो तीन लौट के भी आ सकता है ना, दो तीन बंदे होते हैं लौट के भी आता है। हाँ हाँ, तो वो उसकी मतलब होशियारी में रहते हैं, टारच वारच जला के देखते रहते हैं कि रखवाली के लिए। हाँ, कुत्ते छत्ते भौंकते हैं तो वो पता चल जाता है कि वापस फिर आ गया। फिर मतलब रात चला गया था वो, फिर रात चला गया, फिर जहाँ से मतलब जैसे आगे और हैं बस ऐसे ही वो उसको जहीं से कहीं मौका मिला तो वो एक ना एक नाग उठा लेता है। हाँ, इसका तो है, एक आधा तो इसीलिए तो आता है वो इसीलिए। स्कूल आज इनकी छुट्टी है कि है? नहीं, अभी लगे लगे हैं। ठीक है, तभी है। ये देखो जी, गाड़ी लेके अपनी पत्थर डोरा है, पत्थर है इसमें। क्या लाया माल? सब्जी है, दिखा क्या डोरा है, रेता। ओके, तो जनाब ये देखो, ये सा होता है इन लोगों का सेटअप सारा, और यहाँ पे क्या बना रहे? हेलो सर, क्या बना रहे? कुछ नहीं, ये बकरी के लिए दूध के लिए बंद करना है। अच्छा अच्छा, मतलब बंद कर, उसका क्या? बच्चा पीता है ना। हाँ हाँ, तो अभी ये लगाएंगे, बच्चा नहीं पिएगा। अच्छा, मतलब दिन में अभी फिर वो बंद रहेगा? रात को बंद रहेगा। अच्छा अच्छा, फिर सुबह खोलोगे? नहीं, खोलना ही नहीं, खोलना नहीं। अभी बच्चा बड़ा है ना। अच्छा, बड़ा हो गया? बड़ा हो गया। अच्छा, मतलब फिर अब वो बकरी को तंग करता है? वो तंग करता है। अच्छा ठीक, हमारे भी जैसे गाय भैंस होती है ना, तो बछड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको फिर हम बांध देते हैं। वही वाला आप बांध तो सकते नहीं, हम इसको साथ में खुले ही चरते हैं, तो फिर ठीक है, इसको ऐसे आप कर देते हो। और मेनली आप ये जो देख रहे हो, उस तरफ से भी स्ट्रीम आ रही है और इस तरफ से भी आ रही है। तो क्या होता है कि इनके जो डेरे होते हैं, ये जंगलों में पहाड़ों में सिर्फ वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे पानी का सोर्स अवेलेबल हो, तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं होती, क्योंकि पानी
जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कहीं पर भी हमारे सर्वाइवल के लिए। तो चलते हैं भाईजान, बोल रहे हैं कि आओ चाय वाय पीते हैं फिर जाना, तो चाय वाय पी के फिर जाएंगे। ये देखो यार, चलो फाइज माँ चाय पीते हैं। चाय बनाने आती है और इन्होंने भी अभी लंच कर लिया है, चाय पी ली है और अब वक्त है अपने काफिले को बढ़ाने का, चरने के लिए लेके जाएंगे। ये था बकरवाल लोगों की ज़िंदगी, यहाँ पे ऐसी होती है पहाड़ों में। 5 महीने कम से कम ये यहाँ पे बिताते हैं गर्मियों के, और यहाँ यहाँ नहीं है आई थिंक कि ऊंचे वाले सर जैसे कि आपने डेरा थोड़ा नीचे दरिया किनारे लगा रखा है, पर जैसे ऊपर ऊंचे वाले पहाड़ हैं ऊपर भी डेरे लगे हैं, ऊपर भी हर जगह होते हैं ऊपर तक पूरा, जो घोड़े वाले हैं वो ऊपर लेकर जाते। अच्छा, जिनके पास घोड़े हैं वो लोग अपना ऊपर चले जाते हैं, वो राशन पानी सब कुछ ऊपर ले, सब ऊपर। आप लोग गाड़ियों में लाए? हम गाड़ियों में आए। अच्छा अच्छा, जिनके पास घोड़े नहीं वो रोड के आसपास रहते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब जिन लोगों के पास जो गाड़ियों में लाते हैं अपना माल मवेशी वो रहते हैं कि रोड के मतलब 1-2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा दूर तक, बाकी लोग जो हैं जिनके अपने घोड़े खच्चर हैं तो उन पे सारा सामान लाद के वो जो ऊंचे वाले पहाड़ हैं उनके ऊपर वो अपना डेरा लगाते हैं, क्योंकि घास तो लगभग सब जगह आपको घास तो हर जगह है ना, अभी बारिश के टाइम में तो खूब मिलता है, खूब घास, आज तो घास का सीजन है। हाँ हाँ ठीक। तो अब आप यहाँ कितना टाइम और रहोगे? अभी 2 महीने और। 2 महीने और, 2 या 1.5 महीने, 1.5-2 महीना, उसके बाद वापस जैसे ही थोड़ा ठंड शुरू होएगी। अभी तो बस 1 महीने के बाद यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी, पर अभी तो जैसे बरसात का मौसम है, अभी पीछे 4-5 दिन बारिश पड़ी है, अब तो घास ज्यादा होगा ना। हाँ घास ज्यादा है, बढ़िया होगा, घास तो बढ़िया है, सही है फिर। ठीक, तो ये देखो सर और ये वाली जो यहाँ रखते हो आप, ये दूध वाली है? हाँ ये भी दूध वाली, ये थोड़ा सा बीमार हो या कोई नहीं, ताजा नहीं, बच्चा दिया? बच्चे दिए। अच्छा, बच्चे दिए हैं, ये छोटे बच्चे ना इनको ऊपर नहीं छोड़ते जंगल में। ना ना, उनको तो छोड़ नहीं सकते ना, वो चढ़ना भी मुश्किल है और फिर और दूसरे ये बच्चे साथ जाते हैं। हाँ हाँ, जानवर का बड़ा रहता है खतरा, छोटे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, महीने भर के होते छोड़ देते हो? नहीं, 1-1.5-2-3 महीने तक, 2-3 महीने तक, ठीक है। तो इसलिए उनकी शेल्टर बना रखी है। अच्छा, ये वो हैं बकरियां जिन्होंने ताज़ा बच्चे दिए हैं, तो इनको शेल्टर में रखते हैं ये, ताकि बारिश और थोड़ी ठंड से बच्चे रह सकें। तो मेनली जो बकरियां दूध वाली और ताज़ा जिनके बच्चे वो रखे होते हैं उनको ये डेरों के पास रखते हैं अपने, और बाकी वाली जो होती हैं वो उस तरफ होती है, उनको फिर ऊपर वाले जंगलों में चरने के लिए लेके जाते हैं।